आज हम पूरा घूमने के मूड में ही घर से निकले हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हे गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। ये ब्लॉग मेरे लास्ट ब्लॉग का कंटिन्यूएशन ही है, जहाँ पे हम नेग्रेटिंग शिवदोल गए थे। तो वहाँ से हम शुभम गार्डन आए थे, तो शुभम गार्डन से हम रिटर्न हो रहे हैं अभी गोलाघाट के तरफ। रास्ते में ही पड़ता है सुकाफा समन्वय क्षेत्र, जहाँ हम अभी विजिट करने वाले हैं। ये जोरहाट देरगांव रोड में पड़ता है। आज हम पूरा घूमने के मूड में ही घर से निकले हैं, तो वहाँ से हम यहाँ पे सुकाफा क्षेत्र आके पहुँचे हैं। सब यहाँ अभी अंदर जाएंगे, ये हमारे रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा देख के जाएंगे घुस के। ये एक म्यूजियम है जो कि बनाया गया है इन द मेमोरी ऑफ सुकाफा द प्रिंसिपल आहुम लॉर्ड ऑफ असम। और यहाँ पे घुसने के लिए टिकट करना होता है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है टिकट्स के प्राइजेस। और बोलिए कुछ, आप फिर से आपका प्रॉपर्टी देख के आए हैं आज? जितना देखते हैं उतना ही खुश, मतलब क्या बोले, हैप्पीनेस बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। और आज सब फैमिली को लेके आए हैं और अच्छा लगा। चलिए चलिए उधर चलते हैं, अभी ने बुलाया है। अभी एक बार बोल दो मालिक की जय हो। आप बोल रहे हैं इतने बार, मुझे तारीफ इतने बार कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं फिर? मालिक की जय हो बोली। आही तो असले तुम की कर रहे हो, खुश कर जैसे ना है। यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेप्स पे और हवा चल रही है बाहर, अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है ना। ज्ञान भी इधर और सीनू भी, सीनू सीनू ये पहले छो, ये पहले छो। ये आको आको दे आको दे। ये এটা সিনু দে, এটা সিনু দে, পিঙ্কি আতরা অলপ এই দু, এই দু
ये गोलुक कर लो दे गोलुक कर लो गोल ना झुलू झुलू उधर उधर में करने उधर में बैठाइए एटू ओरिजिनल निकी अभी अभी आए हैं बाहर म्यूजियम में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अगर म्यूजियम देखना है तो यहीं पे आना होगा आप लोग को और अच्छी जगह है। अगर आप लोग को आहुम डायनेस्टी के बारे में जानना है तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं म्यूजियम के अंदर। बहुत पुरानी आहुम राजाओं के ट्राइबल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। बहुत सारे रेप्लिकास बनाया हुआ है। अच्छी जगह है, आ सकते हैं। और उस साइड में एक बिल्डिंग है, वो रेस्टोरेंट है जूही हाल। तो आप यहाँ पे आके मतलब रिफ्रेशमेंट भी आपका हो जाएगा यहाँ पे कर सकते हैं। पीछे बोटिंग करने के लिए है गाइस, बोटिंग कर सकते हैं पीछे। ओ हाँ, पीछे बोटिंग का भी फैसिलिटी है। पीछे बोटिंग करने के लिए है गाइस, बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे बोटिंग करने का भी फैसिलिटी है गाइस। आगे काउंटर से ही टिकट करना है। तो अभी हम बस निकलेंगे, सब जा रहे हैं। हम अभी गोलाघाट के घर में आके पहुंचे हैं गाइस। भाभी लोग उधर से डायरेक्ट नुमलीगढ़ होके चले गए हैं घर। मैं इधर आई हूँ, कियान को खाना भी खिलाना था। तो फिर यहाँ से फिर हम डायरेक्ट घर जाएंगे। और आज जो हमारी बड़ी दीदी है पुष्पा दीदी और जीजा जी का आज 25th मैरिज एनिवर्सरी है। रात को पार्टी है वहाँ पे, तो उनके लिए गिफ्ट्स केक वगैरह लेना था, तो इसीलिए हम इधर आ गए हैं। तो बस यहाँ से निकलेंगे। टाटा 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 बोलो। आई बा ओमा हूं दादा। हां रिमजन ठीक है। टाटा 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 आई सुदे। कांचु क्या बन रहा है? पुलाव बना रहे ये है दाल मखनी। वाव, ये प्रिपरेशन है पुलाव का। हाँ, बटर चिकन कांचु पिछफाल पाइबा एने के कर जे एतु आहे जे निके पापा पापा मा आमी एफा साडी खाली के लगाइसि ओ जे क्वालिटी नो कमाई देना आरो किमान कमाबे 240 पीट आसे 144 छवा बहुत Happy anniversary. Thank you.
तो गाइज इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टूडेज व्लॉग। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।